हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र रावत द्वारा पदभार संभालने के बाद पहली बार मंगलौर कोतवाली पहुंचे एसएसपी हरिद्वार ने मंगलौर कोतवाली में आयोजित सीएलजी सदस्यों की बैठक ली, जिसमें सीएलजी और ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। सबसे ज्यादा समस्या नशे के बढ़ते काले कारोबार पर अंकुश लगाए जाने के मामले आए। स्मैक की लत में धंसती युवा पीढ़ी आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रही है, इससे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाए जाने की गुहार लगाई, साथ ही नेशनल हाईवे पर बढ़ती दुर्घटना, कस्बे में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे को जल्द ठीक कराए जाने की मांग की। एसएसपी हरिद्वार योगेंद्र रावत ने कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए समाज के लोगों का सहयोग जरूरी है। अपने आसपास नशे के कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचित करें और युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करें। पुलिस और पब्लिक के बीच में लगातार संवाद बनाए रखने के लिए समय समय पर विभिन्न स्थानों पर सीएलजी की मीटिंग्स की जाती हैं, और इसी क्रम में आज मैं यहाँ पर मंगलौर थाने में मैंने मंगलौर थाने के जो सम्मानित नागरिकगण हैं उनके साथ एक बैठक करी। बैठक में पुलिस की जो अपनी बातें होती वो मैंने उनके सामने रखी और उनकी जो समस्याएँ थी वो सुनी और उनके जो संभावित निराकरण थे उसके बारे में उन लोगों को बताया गया। इससे पुलिस और पब्लिक के बीच में जो गैप होता है ये ख़त्म होता है, पब्लिक अपनी बात खुल के कह सकती है और भविष्य में भी इस प्रकार की मीटिंग्स की होती रहेगी। मंगलौर से मांगेराम गौर की रिपोर्ट।